फिर बाद में मोला मन्नू दाव जी मिल गए ओ मोला बताइस अगर तोला पैसा चाहिए बेटा तो जा अब ते दारू पी और सट्टा खेल तोला सारी संसार के खुशी मिल जाएगी। तब से लालच में आके काम लग करे भर लग गए भैया। वाह ओपिस, अगर ये तोर सोच ले तोर काम ले हमर गांव के नौजवान साथी मन करे भर लग जाए तो हमर गांव ले बिगड़े भर चार दिन समय नहीं लगे। अरे गरीबी से लड़े ना सिर्फ गरीबी से लड़बे तो तोले सामने मंजिल दिखाई दे। गरीबी से पीछे भाग बे ओपिस, जीवन भर धर धर के ठोकर खाए भर मजबूर होना पड़े। ये नशा नाश की जड़ होते भाई, अगर फल बहुत दुखदायी खुद की जिंदगी तबाह हो जाते बर्बाद हो जाते समाज परिवार बदनाम हो जाते चलते यहाँ जिंदगी के सहारा बना के चलते मोर भाई। हाँ भैया, ये तो भाई के जीवन में बस यही तो कमी रही है कि मैं अच्छा बुरा सही गलत नहीं समझ पाए भैया। अब तुला पता नहीं भैया, जब ते मोला छोड़ के चले गए ना तो तुर जाए के बाद मानो को मोर जीवन में हमेशा हमेशा भर भी अंधेरा छा गए। अरे मैं कहाँ जाऊँ कहाँ करूँ, मोला कोई चीज समझ नहीं आए भैया। और जो मन मन करिस बस वही करे भर लग जाऊँ। और आज जब ते बतास तब मोला सच में समझ आते भैया, मैं अपन घर की गरीबी ले दूर भगाए के चक्कर में ये शराब के सहारा लेके कई प्रकार के काम करे हो लेकिन मोला कोनो काम के लाभ नहीं मिल सकिस। मैं अपन जीवन ला अपन घर ला बर्बाद कर दे रहे हो लेकिन कभी वो खुशी हासिल नहीं कर सके भैया। सच में आते बता था तब मुझे समझ में आते भैया कि सच में नशा जो है केवल और केवल ही नाश की जड़ है। एक से इंसान ला कभी कुछ भी हासिल नहीं हो सके भैया, केवल इंसान बर्बाद हो सकते जिंदगी बर्बाद यहाँ तक इंसान जिक्र नाम है नशा। ठीक है भैया, आज के बाद मैं कोनो जगह में जो हूँ कोई भी तो काम में नहीं मुला, मैं अपन शरीर पसीना बहा के मेहनत करके जिंदगी गुजार लूँ लेकिन आज के बाद ओ सट्टा जैसे गंदा खेल अबे नशा जैसे नाश के जड़ अपन जिंदगी में दोबारा कभी नहीं लाऊंगा। हाँ चल तो बहुत याद कर रहे माँ, जब तक तो लनी देखो मुझे चैन नहीं पड़े करके बोले चल चल बाबू फिर। हाँ मैं जरूर घर जाऊँ लेकिन मोर मन में कुछ बात है का मैं तोला कह सकता हूँ भैया। कौन सी बात भूपेश भैया? कत का दिन बाद आज हम दोनों भाई मिले हैं, जिन समय हम एक दूसरे से बिछड़ गए हैं उस समय की बात तो कुछ और रही लेकिन आज तोर साथ में अचानक मुलाकात हुई तुर तन वदन में वर्दी देख के मुझे कुछ भी समझ नहीं आते भैया। भूपेश सच्चाई के रास्ते में चल भी तो तकलीफ बहुत सारा मिलता है लेकिन अंत में कर फल मीठा ही होते भूपेश। मैं सच्चाई के रास्ते में चले वर नहीं छोड़ा मोर आप इसर मन मोर पढ़ाई के कोर्स पूरा करवा दी अब आज ये मंजिल मिले ही तो केवल सच्चाई के बदौलत मोर भाई। बहुत अच्छा बात कहा था भाई, आज ते केवल सही रास्ते में गए तो तुर ऑफिसर भी तुर सहयोग कर दिस और पढ़ा लिखा के एक काबिल इंसान बना दिस और वही सच्चाई की राह में चल के आज ते एक मुजरिम से ऑफिसर बन के दिखा दे। सच में भैया ये तो हमारे पर बहुत बड़ी गर्व की बात है कि आज तो ते हमारे गांव में और हमारे समाज में हमारे जैसे नौजवान साथी पर एक दर बन के भांति बन गए हैं। कहीं हमारे गांव के हर नौजवान साथी तोड़ जैसे सोचने के जिंदगी के रास्ते में चले तो कभी धोखा नहीं खा सके भैया। ये हमारे गांव ला देखन बहुत बड़ी बस्ती है हमारे बस्ती हर हमार बस्ती के हर घर परिवार में देखन ते दो भाई तीन भाई चार भाई थे लेकिन कभी कभी कोई घर परिवार ला देखबे तो हमेशा भाई भाई मारपीट होते लड़ाई झगड़ा होते कोई पैसा कौड़ी बरतो कोई धन दौलत बरतो कोई जमीन जायदाद बर। लेकिन मैं बड़ा किस्मत वाले हूँ भैया जो मोला तोर जैसे बड़े भाई मिल गए। अरे मोर हर दुख ला अपना ले और हर खुशी मोला दे दे तो कर बाद ही मैं पगला नहीं समझ सके शायद तुर लाड प्यार में ही बिगड़ गया भैया। लेकिन ते चिंता मत कर मैं तोर जैसे इंसान बने के जरूर कोशिश करूँ अब एक दिन ये दुनिया वाला ला साबित करके दिखा दूँ ताकि जब भी इंसान कहे तो बड़ा गर्व से कहे कि एक छोटे से प्यार के मंदिर रहिस जहाँ सिर्फ दो भाई निवास करे भूपेश और प्रकाश। भैया हम दोनों भाई के रिश्ता ले याद करके अरे कम से कम ये दुनिया वाले भाई भाई के रिश्ता ला तो बना के रखे बस ये दुनिया ले यही संदेश दे के कोशिश कर। चल चल वो चल चल हाँ इस संगीत पर खुश होकर हमारे परमादरणीय भैया ईश्वर लाल तारंग जी शक्कर फैक्ट्री से हैं करकाभाट से और विशेष संगीत में खुश होकर उनके ओर से हमें 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्हें भूपेश प्रकाश छत्तीसगढ़ नाचा पार्टी ग्राम सारे डोला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और नरसिंह साहू की ओर से भी हमें 20 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्हें भी भूपेश प्रकाश छत्तीसगढ़ नाचा पार्टी ग्राम सारे डोले की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष सूचना और है ये किसी भैया का
वो गाड़ी का चाबी घूम गया होगा, किसी का घुमा होगा तो अपने जेब को टटोले और नहीं मिलेगा तो हमारे स्टेज से आके ले जाए चाबी, गाड़ी का चाबी। धन्यवाद भाई भाई। भूपेश कहाँ है बेटा? वो तो दरवाजे में खड़े हैं माँ। पास बुलाती है, कितना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। तुर बिगड़े हुए लड़का ला सिर्फ एक बार माफ कर दे माँ, जब तक के संसार में मोर सांस चलही मैं हर सांस में तुर सेवा करूं, लेकिन कभी गलत रास्ता में नहीं जाऊं माँ। भूपेश हाँ माँ। माँ हरो ना, मैं तो लकेसे माफ नहीं करूं बेटा। बस माँ और कुछ मत गुठिया माँ, तुर अत की बात न सुन की ये मोर जीवन धन्य हो गए माँ, धन्य हो गए मोर जीवन। वाह कत का महान हस्ती हर माँ, अरे ते मुल अपन कोख से जन्म देस, ये दुनिया में चल के क्या मिल बनाए, पढ़ाए से लिखाए सर मैं पापी तोला का दुख तकलीफ दे माँ, अरे जिन जिंदगी तो रहे वो जिंदगी लमे उठा बढ़ जावा तो माँ, सारी गलती ला छुपा के एक बार में बेटा कहे के मुल्ला गले से लगा ले। सच में महतारी ते तो मोर लिए भगवान से भी बढ़ के हंसू माँ, माँ मैं तोला बहुत दुख तकलीफ देव ना, मैं चाहत हूँ माँ कि पल भर के लिए भी कोई खुशी ला के दे सको तुला, तुम्हें अपन बेटा हो के फर जरा निभा सको। बता माँ आज के बाद तोर लड़का इसे का काम लग रही माँ, जे में तोला मोर फर बह जाए खुशी हो जाए। हाँ तोर एक सपना रिस ना बेटा कि एक दिन डॉक्टर बनू करके, अब मैं तोला पढ़ा लिखा के ना ए दुनिया के बहुत बड़े डॉक्टर बनाना चाहते भूपेश। बहुत अच्छा बात ने कहा था सुमा, अरे देखा ये दुनिया के हर माँ बाप अपन लोग लेकर बस, बस ऐसे सोचे थे अजय छोटे से लेकर थे बोला बड़ा मुश्किल से पाल पोस के बड़े कर थे, पढ़ा लिखा के एक सपना लेके कि एक दिन अपन लेकर मैं अच्छा से इंसान बनाऊ और संग रही के जीवन लग खुशी से गुजार लू करके, लेकिन नहीं माँ ये दुनिया जो है ना बहुत बेकार दुनिया है माँ, हमार जैसे लड़का मन कभी अपन माँ बाप के बात नहीं मानन, हमेशा गलत रास्ता में जाथन और खुद के जिंदगी के साथ साथ घर परिवार के जीवन लग हलो बर्बाद कर देते, लेकिन आज के बाद ये तोर बेटा दोबारा इसे गलती नहीं करे माँ, अब मैं खूब मन लगा के पढ़ू
जो इंसान मुर्जी से बिगड़ चुके हैं, और खास कर जो औलाद अपन माँ बाप ला माँ बाप नहीं समझे वो हर बिगड़े हुए इंसान की इलाज कर सको, मैं वो डॉक्टर बन के पहली तोला बताऊ। रूपेश हाँ माँ के आशीर्वाद ना तो हर मोड़ में साथ दी बेटा। हाँ माँ तोर आशीर्वाद मिल गए तो मतलब सारे संसार के खुशी हर मिल गए। देख माँ आज हमर तीनों परिवार बिछड़ गए हैं कहाँ से कहाँ, अब अपन घर में ये हमारे प्यार के मंदिर में फिर से हमर तीनों परिवार मिल गए माँ, अब केवल केवल सिर्फ तोर वजह से ये घर ल सजाए बर कोई कसर नहीं छोड़े, अत का दुख तकलीफ पाए। अरे घर से बाहर निकाले के बाद भी घर के आस पास मंडरा के रह गए, ओकर बाद भी घर ल छोड़ के नहीं गए, ये घर ल जो तो ल सजाना रही माँ, आवाज ये प्यार के मंदिर ल सजाए बर कामयाब ही हो गए माँ। माँ हमन बड़ दुख तकलीफ पाए ना माँ, मैं चाहत हूँ माँ जैसे हमन दुख लभ हो गए वैसे मोर गाँव परिवार के कोई घर में इसे तकलीफ मत हो, कबर कबर की ये जो तकलीफ है बहुत ही दर्दनाक तकलीफ है माँ, जेकर घर परिवार के इंसान बिछड़ जाते वो जानते कि दुख दर्द का होते परिवार के, अरे जब परिवार टूट जाते बिखर जाते तो इंसान जीते जी मर जाते, अब परिवार एक में जब रहते तो सारे संसार की खुशी अपन घर में रह जाते, तो मैं चाहता हूँ माँ कि हमर गांव के कोई घर में ऐसे तकलीफ मत होए, कोई भाई अपन भाई से अलग मत रहे, न कोई माँ अपन बेटा से अलग मत रहे, कोई बाप अपन गरीबी में परेशान होके आत्महत्या न कर ले, बस एक किरेच खातिर बर माँ आज हम दोनों भाई ला ऐसे आशीर्वाद दे, ऐसे काबिल इंसान बना दे माँ, ताकि हमर से हर जुड़े हुए इंसान लमन सही बात बता सकन, सच्ची रास्ता दिखा सकन, तो ये हमर घर का हमर गांव के हर घर प्यार के मंदिर कहला ही, बस आज हम दोनों भाई ला अतकच आशीर्वाद दे दे माँ। अब तुमन घर में रहो, बोला जाने हो ड्यूटी में माँ। प्रकाश हम आज ही ड्यूटी जाते हैं बेटा। हाँ मैं शाम को वापस आऊँगा माँ। ठीक है बेटा। ठीक है। उपेश हाँ भैया अब ते पढ़ लिख के तो डॉक्टरी कोर्स पूरा कर ले। हाँ। जब डॉक्टर बन जावे तो करही बदर क्षेत्र से तोर वो लड़की खोजबो और शादी करके घर में पहुंच जाओ। ठीक है भैया तो यही हंसी मजाक ला सुनिवर तरस गए हो, जब ते ड्यूटी से आ जावे तो अच्छा से गुठिया लेबो। ठीक है ठीक है भैया चलना चाहिए। और देखो मेरा किस्मत, जिस क्षेत्र के थाने से मैं हथकड़ी पहनकर छेल गया था उसी थाने पर मुझे ड्यूटी दिया गया, हो सकता है हवलदार वही होगा या कोई नया होगा, मेरे को जाने से मालूम पड़ेगा क्योंकि उस मनु दाऊ का बायोडाटा तो मुझे खोलना है, चलना चाहिए जाकर देखते हैं। इंस्पेक्टर साहिबा इस टूरल हथकड़ी लगा के ले गए, आज ले पता नहीं चली कहाँ चो भगा गए का दूसरा जगह ट्रांसफर हो गए, हमला का करे बर है, हम थाना के हवलदार है, थाना में ड्यूटी करना हमारा। हवलदार तो भाई लगता है बहुत विची है। ओ हवलदार क्या कर रहा है? अरे कौन हो रही
क्या करें? अरे कौन भाई, सामने से आके बात करो। ये पीने का व्यवस्था लाया हो तो उस खूंटा में बांध दो, हम अपने हिसाब से खा पी लेंगे। पेपर पढ़ रहे बेटा, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? क्या लिखा है पेपर में? अरे इसमें तो बहुत कुछ लिखा है, पढ़ो। इसमें लिखा है पेट सफा तो हर रोग दफा, हरी मिर्च खाओ तंदुरुस्ती बढ़ाओ, हाजमोला खाओ कस के तरिया भगाओ। और यहाँ नया समाचार भी लिखा है ना बेटा? अच्छा, यहाँ लिखा है मुजगहान से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक कुत्ता ने ट्रक को ठोंक दिया, जिससे ट्रक की मृत्यु हो गई है और कुत्ता फरार। और यहाँ कई एक से एक लिखा है ना बेटा? आपके इस थाने में कोई आता जाता है मालूम होता है या नहीं? अरे हमारे थाने में कितनों आते हैं कितनों जाते हैं, हम किस किस को पहचानेंगे और किसको जानेंगे? अरे सामने तो आके बोलो ना बेटा। अरे बोलो बोलो। ओह बोलो। अरे बोलो ना। ओह बोलो। यस सर। क्या यस सर? जी सर। ऐसे ड्यूटी करते हैं? यस सर। कुछ से पीछे लगाओ। जी 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 जी। बैठो सर। हाँ बैठो साहब, बैठो 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 सर। हाय दादा, रे प्यास लाग गए दादा, तो कहा फोन करके खूसारती से नहीं हो रहा भासरंग ले आ कोइल गए। आ मैं दूसरा हर एक मन मने दबेड़ा था, यह इंस्पेक्टर साहब है दादा साहब। जी जी, क्या नाम है तुम्हारा? नाम ला पूछे साहब। पी के उंडे है। ये उंडे क्या चीज है? मोर सरनेम है ना साहब। अच्छा, इधर का माहौल कैसा है? हाँ ये तरफ के माहौल अच्छा है ना सर। कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? हाँ झगड़ा लड़ाई दंगा फसाद मारपीट कुछ नहीं चले, सब संभाल के रखे हो। भारी जोर से दबदबा है ना सर। अच्छा अच्छा, हवलदार जी साहब, हम भी अपने परिचय आपको दे देते हैं। हाँ बताओ ना साहब। मेरा नाम है पी के पटेल। साहब के नाम पी के पटेल, मोर नाम है पी के उंडे। साहब आप मन भी पी के, महू पी के। अच्छा, चलो साहब बेदर्दी से पार्टी मनाते हैं दोनों पी के। खाने पीने वाले, यानी कि मेरा नाम है प्रकाश कुमार पटेल। जी समझे, साहब से नहीं जमने वाला है। इधर आओ। जी साहब, एक बात पूछूं? पूछो साहब। आपका शादी वगैरह हो चुका है? शादी नहीं हो है साहब। अच्छा, विवाह हो है? अरे वो दोनों एक ही चीज है जी, यानी कि विवाह हुआ हो है। हो है। तो बाल बच्चे कितने? बाल तो अनेक है साहब। बच्चे कितने है पूछ रहा हूँ? लोगली कमल पूछे सर, दूठन है। ये दूठन क्या है? दोनों लड़का है ना साहब। दो लड़के जी। कौन कौन सी क्लास पढ़ा रहे हो? हाँ बड़का है 5वीं क्लास में है, छोटे है कॉलेज जाते। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ ना साहब। हाँ ना बोलते हो। जो बड़ा लड़का है वो 5वीं क्लास में, जो छोटा है कॉलेज जाते है साहब। इतना खर्चा करत हूँ साहब होकर पढ़ाई के नाम लेके, मैं तंग आ गए हूँ। एक ठन डोली है बेच आ गए। अच्छा, तनखा के पैसा पूर्णिपात है, इतना जोर से खर्चा। हवलदार जी साहब, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ जी, उस छोटे वाले लड़के को ऐसे कौन से कॉलेज में भेजते हो जो इतना भारी खर्चा हो रहा है? वो आंगनबाड़ी जाते हैं साहब, यानी कि शुरुआत वाले कॉलेज की बात कर रहे हैं। जी जी जी, चलो ठीक है, कम से कम पढ़ा तो रहे। पढ़ाते पढ़ाते हवलदार जी साहब, इस क्षेत्र में कोई मनुदाव नाम के व्यक्ति को जानते हो? ये दादा जी साहब, जी साहब, उस आदमी ने कुछ साल पहले रिपोर्ट लिखा था, आपको याद है? लिखा है साहब, फाइल में लिखी जी, लिखे हो साहब। पढ़कर सुनाओ तो क्या लिखा है मुझे? यहाँ लिखा है साहब, ग्राम मुजगहान के मन्नू दाव के यहाँ से पूरे 50,000 रुपये का चोरी हुआ है। अच्छा, और शक के आधार पर मेरे नौकर राम साय जब से पैसा का चोरी हुआ है काम करना बंद कर दिया है। अच्छा अच्छा, इसलिए मेरे को उनके ऊपर शक है। आगे बस तो हवलदार। अरे उसने कहा होगा उन्हीं के ऊपर मुझे शक है, बस तो हवलदार, तो उनको भी लिख दिए। जल्दी जल्दी मोहल डालो साहब। जी जी, मुझे पहचानते हो? पहचाना था साहब, मैं वही राम साय का बड़ा लड़का प्रकाश हूँ, समझे? ये दादा रे, अभे मन माने दबेड़ा थे, तैला तो वहाँ हथकड़ी लगा के खोली मोई ला रहे हैं,
कते दिन निकाल के इंस्पेक्टर साहब बन गए दादा साहब धोखा खा गए जी जी साहब एक काम करो जी इस फाइल को रखो यहाँ और उस मन्नू दाव को जहाँ तुरंत पेश करो थाना में बुलाना है जल्दी बुला करो यस सर तुरंत दाऊ जी नमस्कार दाऊ जी नमस्कार कैसे हवलदार अरे बहुत दिन की बात दिखाई देता सर कैसे कर बे दाऊ जी जात का कन भेजवा रहे हसने सब फाउरा ओ तुरा ना चेयर हवलदार आओ दी के आओ आगे रे तो कर चिंता का बर करता सर ते मोर कामला में से इसने करते रहा अरे तो लोग तो मिलते च रही वो तो मैं हाँ करते च रहूं दाऊ जी मोला मिलते च रही मैं हाँ तो आपे च मन के नून और नमक खा था बिल्कुल सही बात बोलता था बोलता दाऊ जी खाना पीना ला छोड़ मोर साथ में चल थाना इंस्पेक्टर साहब बुलाते कर इंस्पेक्टर थाना बुलाते हाँ भाई वो भी मन्नू दाला हाँ भाई देख हवलदार अरे ते अच्छे तरह से जानता हाँ कि जब भी थाना को इंस्पेक्टर आते पहले ही मन्नू दाव से मिलते और बाद ड्यूटी जाने करते और बड़ी इंस्पेक्टर है जो मन्नू दाव बुलाते हाँ भाई वो होते कौन साहब जी कौन होते माइके लाल ओइसन ओइसन इंस्पेक्टर ला हाँ बाबा जी अम्बेडकर बिल्कुल सही बात बोलता था वरदा कौन होते हो आप तो इंस्पेक्टर के नाम का है पी के पटेल अरे पी के पटेल रहा है जी के पटेल रहा है आदि वाला खुजली हुई ना तुम उन खान में पुलिस समझे हाँ दादा खुजली तो हमें है ना अभी पता चलेगा बेटा देखना साहब डायरेक्ट बोल दिस लगता है वो आदमी बहुत कड़क ना खड्डू से साहब सीधी उंगली से घी निकले उनको टेढ़ा करने पड़ेगा यानी कि वही चलेंगे चलो वही चलते हैं साहब साहब उनको पकड़ लेता हूँ पकड़ो चलो साहब ये मकान है दाऊ जी का बाहर बुलाओ उसे जी 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 दाऊ जी अरे वो डहला देखना रे रेचका रेचक करे जान साहब ओ आओ इंस्पेक्टर पीके नमस्कार हम आपके पास एक काम के सिलसिले में आए अरे विचल हवलदार से बात कर रहे हैं अरे भाई अभी तक थाना को इंस्पेक्टर आते पहले मन्नू दाव से मिलते ओकर बाद ड्यूटी ज्वाइनिंग करते अच्छा लेकिन पहली इंस्पेक्टर हो भाई जो मन्नू दाव से मिले ना बात का कैसा हवलदार आपके घर में कुछ साल पहले चोरी हुआ था मुरिया चोरी या अच्छा अरे मुरिया चोरी हो रही ना कितने का हुआ 50 रुपए का अरे चोरी किसने किया था अरे मोर नौकर ही चोरी करी अरे तेरे पर से शरण कुमार मर गए साले जवान संभाल के बात करना वरना कहाँ जाओगे पता नहीं चलेगा समझे इंस्पेक्टर अभी तक कोई माई के लाल बांध ले कि मनु दो के गिरे बार में हाथ डाले समझे अरे तो सर खाकी वर्दी वाला ना ये मनु दो के में चौकीदार करते दस के नौकरी करते और बात करते मनु दो से मेरे सामने ऊंची आवाज से बात इंस्पेक्टर ये गिदार की धमकी ना कोर बांध दे ये मनुदा समझे मैं पूछ रहा हूँ चोरी हुआ था या नहीं चोरी बता का अच्छा अभी भी अकड़ के बात करते हो हवलदार यस सर जी जी उस सामान को लाना जिससे हम सच्चाई बुलवाते हैं हाँ समझ गया साहब ये इसे पकड़ो लाओ साहब इसे भी रखो कुर्सी साइड लगा साइड लग गए ना सर मैं अंतिम मौका दे रहा हूँ मनु दाव क्योंकि मैं सच्चाई जानता हूँ लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि हुआ क्या था अरे के बार बताओ इंस्पेक्टर मुरिया चोरी से बता का तो राम साईं ने चोरी किया तलिक समझाओ तो इंस्पेक्टर ला सबेरे हो गया तल पगला के है सारे हो गए बार बता तो समझ भी नहीं आते समझा देते बेटला कहां फेंकू पता नहीं चल ही सबेरे हो गया रहा हूं कितना वापस करो 60 दो या 70 दो कितना दो नहीं तो जा रहा हूँ राम साईं ने चोरी किया था कितना दो बताओ कितना दो बोलो आवाज लगाओ इधर आओ इधर आओ उधर कहाँ भागे जा रहे इधर आओ कितना दो 60 दो 70 दो बताओ कितना दो
राम सानी छुरी क्या था ना? अब कैसे लागी बेटा, अब कैसे लागी? काते डहन चटले बाजी दई एक को कनिक पता नहीं चली से। मैं इनको लगा रहा हूँ, सामने क्यों आ रहे हो? भगवान का समकालित नहीं है, तक्का धुरियाल काट दो। इधर जब तक सच्चाई ना बोले तब तक किसे लगाते रहो? ए मोर वालम देता हूँ सरबत लगाओ, ए मेरे वालम देता हूँ। कैसे चोरी हो रही इसकी? नहीं हो बता देख हवलदार, तोल बहुत खवा पिया हम हैं, दादागिरी मारने का नहीं और जतका भी खवा प्यास नहीं, सब मोर छोटे छोटे नोनी बाबू मुरागे। आमे कोनो जानथस? नहीं नहीं पहचानो तोला। नहीं पहचानस ते अभी पहचान ले, मैं वही पुराना हवलदार हूँ, तारीफ तेरा सुन चुका हूँ, हर जुर्म को गिन चुका हूँ, हर जुर्म की सजा तुझे कानून से दिलाऊंगा। मन्नू दाऊ कसम खा करके आया हूँ कि मैं ही तुझे आज हथकड़ी पहनाऊंगा। अच्छा तो मोरे बिलई और मर्द में आमला बिलई कब? काते दहन पुला के रे, हाँ यहाँ मेरे पड़े है, चलो तेरे कह के नहीं तो चल 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 ऐसे। यहाँ देखो जज का हाल, अपने अपन जज का थे, बता चोरी हुआ था कि नहीं? निहारी साहब, निहारी साहब। अच्छा, किसी गरीब इंसान की जिंदगी से खेलने में तुमको मजा आता है, उनकी इज्जत उतारने में सुकून मिलता है हवलदार जी साहब? हम इनका कुछ उतारे ताकि इनको महसूस हो, इज्जत उतारने के बाद आदमी को लगता कैसा है साहब? इनको जाड़ लगेगा। जाड़ वाले चश्मा निकालो इनको। ये हाथों ने भगवान का सब मोर काम है, गरीबों का पैसा खाकर हीरे मोती के हार निकालो। अरे बाप रे, निकालो इतना लक 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 कीमत को ही दाद। अरे ओ साहब क्या है ये? एक ठन मोर पाइप धर लेता हूँ, रख रहा हूँ ना साहब। साहब क्या है ये वाला हार? छोटे पड़ जाए साहब, अच्छा शायद निकल पाई। एक काम करते हैं सर। कैसे? इनका मुड़ी को काटते हैं और मुजगहन के तालाब में बफर सिस्टम से जमाते हैं। हेलो ये निकाल गए साहब, इनका जैकेट भी निकाल दो। याहूर साहब गालो। जी कैसे पहरे हस लाल लाल कोट, ते हमोला देखा थस बट दो कहा थोर जोर से गुर रहा थे साहब ला नहीं घेर पाते। ये हो गए साहब, इनका शर्ट भी निकाल दो। याहूर साहब गालो। कैसे कहा जाइस तोर दादागिरी, पहरे हस सफारी तोर बात हो गए लबरी। चल ते दाम हवलदार इनका जूता भी निकाल दो। याहूल साहब दो जी। अरे उठाना रे अंगद, दबा दे हस नंगद, चल उठा। अरे जल्दी निकालो साहब, आराम से। अरे दिमाग लगा के तो निकालो साहब। क्या कोई कोई समय में दिमाग काम नहीं करता है सर, जल्दी निकालो। ये हो गया। हाय दे हाय दादा रे, भगवान का सम ड्यूटी जाता नहीं, टूटा हुआ बिल्कुल पहर के जाता है। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये दाई पूरा राम तेरी गंगा मैली है रे। चल निकाल, हाथ ला टडेर मती कुर्सी मारो खेच पूजा जी। चल निकाल, कहानी
निकालो ना। निकला था साहब, ये पूरे निकल गए सर, निकल गए। मात्र एक नगव, जितना कहा जाए उतना करो, समझे? एक काम करो, इनको हथकड़ी लगाओ। जी साहब, तुरंत हथकड़ी लगाता हूँ सर। कैसे ये काहर जानता इलाके होल्डर? ये तो कुकुर बांध एक सखरी है, एकदम राइट। हकीकत में कुकुर बांध एक सखरी है। तब ते कौन में से कमी है? ते है तो कुकुर से भी ज्यादा कुकुर है। अब तोरे असन कुकुर मन में नहीं, ये थाना में रखो। चल हुरस, 10 दिन ले काम करो बेटा, पता चल जाए। अभी तो एक थन गोड़ में रेंगा था सही से, इतना मार पड़ी दोनों गोड़ बेंड हो जाए, अब ऐसे रेंगे। चालू लगाओ। क्यों मनुदाव, कुछ एहसास हुआ? जिस आदमी ने तुझे हर पल सहारा दिया, हर वक्त तेरे साथ तूने छोड़ा, उस आदमी कितना बर्बाद क्यों किया? काहे के लिए उनके साथ ऐसा किया? ये सब नामकरण करे साहब। अच्छा, हाँ साहब, मोरिया इतना धन दौलत साहब, ये धन दौलत बदौलत गांव में का पूरा मोर क्षेत्र दबदबा चले साहब। अच्छा, लेकिन मोरिया नौकर आते गांव में हमेशा नाम चले, प्यार के मंदिर, प्यार के मंदिर, ये सुन के ना मैं तंग आ गिर साहब। ये घर पर वाला थोड़े काम करे साहब। कितनी घटिया सोच वाले इंसान हो मनुदाऊ, अगर अच्छे इंसान होते तो हमारे गाँव के हर नागरिक हर पब्लिक तुम्हें भगवान की तरह मानते, भगवान की तरह पूछते, लेकिन तुम्हारी सोच कितनी घटिया। लेकिन एक बात याद रखना मनुदाओ, अगर चलना है तो दीपक की भांति चलो, खुद तो अंधेला में रहता है लेकिन उजाला दूसरों को देता है, इसे कहते हैं चलना। सच बात है साहब, आज मेरा एहसास हो गया साहब कि धन दौलत से कोई नान कमा जा सके, केवल व्यवहार से ही कमा जा सके साहब। अरे मोसन पापिला तो नैप जगह मिल साहब, आप मन मोसन पापिला सख्त से सख्त देवा साहब, ताकि हमारे गांव को मनुदाव पैदा ना सके साहब। मनुदाव कानून तो आपको जरूर सजा देगा, लेकिन मैं कानून से रिक्वेस्ट करूंगा आपकी सजा थोड़ा बहुत कम हो, ताकि इससे बचे हुई जिंदगी को एक अच्छे इंसान की भांति जी सको और हर गरीब परिवार को अपना परिवार समझ सको। ठीक है साहब, आप मन के कानून जो भी सजा दी मुझे मंजूर है साहब। ठीक है मनुदाव, हवलदार इसे मुझे दो और सामान को पकड़ो और चलो हमारे साथ। बोले भारत माता की, रानी माई दाई की, ओए शीतला मैया की जय। तो दाई दादा, ये तेरी समर प्यार के मंदिर के कहले छल आपके बीच परोसे की कोशिश करें। आओ एक बार गीत संगीत क्या लेना, बोकर बाद एक अंतिम हमारे एक छोटे से उगम मत दिखाबो, जैन हमारे अंतिम प्रस्तुति हुई, ओकर बाद आपसे सादर विदा लेके आज हम लोग फिर से कार्यक्रम में निकलना है। तो आओ हमर बस्तर अंचल के कार्यक्रम ला रात भर सहयोग प्रदान करत हो, देखे के कोशिश करो, तेकर बर बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त ग्रामवासी, समस्त दर्शक बंधु मला सादर प्रणाम स्वीकार कर हो, दाई दादा हो। आओ गीत संगीत का नल बोकर बाद अंतिम प्रस्तुति अंतिम पड़ाव की ओर चलबो। बोल सियापति राम की। शांत वातावरण बनाकर बैठे और कार्यक्रम का आनंद लिए, उसी तरह कुछ देर और बैठिए और कार्यक्रम का आनंद लीजिए। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में खुश होकर महादेव घाट जी सोरठ से हैं, उनके ओर से हमें 50 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्हें भूपेश प्रकाश छत्तीसगढ़ी राजा पार्टी ग्राम सारे टोला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।